आज की मेरी रेसिपी है चटनी, और चटनी है ये एक बड़े नए स्टाइल से। ये देखिए, ये मैंने लिया पुदीना, ये टमाटर, प्याज, ये कच्चा आम जो होता है वो, हरी मिर्ची, धनिया। देखने में तो आपको लग रहा है कि ये वही चीज़ें हैं जो आम चटनी में डालती हैं, मगर जब चटनी बनेगी ना तो आप कहोगे कि वाकई एक नए स्टाइल से ये बनी है। और इसमें अब मैं नमक जो और चीज़ें डालूंगी वो भी फिर मैं आपको बताऊंगी। आप प्याज काटूंगी, आम काटूंगी, ये सारी चीज़ें मैं काट के फिर आपसे मैंने रेंगे। देखें जी, मैंने सारी चीज़ें काट दी हैं, इसी तरह काट ली। ये देखें धनिया पुदीना है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसे साथ ही एक एक करके डाल दूँगी। प्याज तो आम का डंक वाला, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची देख लीजिएगा कड़वी हो तो आप कम डालें, मेरी रेत की कड़वी नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी है। टमाटर तो है उसके बीज निकाल देने हैं, ये देखें कि मैंने निकाल के बिल्कुल, तो फिर इसको काटा क्योंकि ये पानी बाद में छोड़ देता है, इसके लिए इसको मैंने इसके मैंने सारे बीज निकाल दिए। बारीक हो गई है, थोड़ी सी और करूँगी और इसके अंदर डालूँगी नमक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अपने हिसाब से आपने डालना है, ज़्यादा भी ना हो जाए, चटनी के हिसाब से आपने डालना है। और ये देखें जी, ये आम, आपका आम जब आप इसको छीलें काटें इसको चेक कर लें खट्टा है या मीठा है। जब खट्टा है तो फिर थोड़ी चीनी ज़्यादा डालें, मीठा है तो इतना इतनी ज़्यादा ना डालें। मेरा आम जो था वो इतना खट्टा नहीं था, मैंने चेक किया, इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। अब मैं इसको फिर तरह मिक्स करूँगी उसके अंदर ही इसी तरह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें जी ये तैयार हो गई है, तो इसको भी मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें जी चटनी तैयार हो गई है, जिस तरह मैंने बनाई है आप भी बनाएं। ये देखें इस तरह, इसको ज़रा आपने मोटी मोटी रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसी तरह मोटी मोटी, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। आप ईद के दिनों में ये ज़रूर बनाएं, गोश्त के साथ खाएं, आपका जो खाओ पियोगे हज़म करेगी और बड़ी मज़े की भी है। आप खाओगे तो आप कहोगे कि इतनी मज़े की हम पहली दफ़ा खा रहे हैं ये चटनी, तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ख़ासकर ईद के दिनों में तो ज़रूर बनाइएगा ना, गोश्त के साथ ज़रूर खाइएगा। और जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर एंड लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखा करो और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाया करो ताकि आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और दुआओं में याद रखा करो, प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करो, दुआओं में याद रखा करो। फिर मिलेंगे किसी ऐसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।